अगर आप भी एक बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो लेकिन कन्फ्यूजन में हो कि कौन सा बैंक अकाउंट सबसे बेस्ट है, ऐसे पता होगा आपको बैंक अकाउंट में जो भी हम अपना मेहनत का पैसा रखेंगे वो अगर सेफ नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। इसीलिए काफ़ी लोग सर्च करते हैं कि कौन सा बैंक अकाउंट सबसे बेस्ट है। सो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बैंक अकाउंट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैं इसका डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही चाहिए, जो भी बैंक अकाउंट आप पैसा रखेंगे, मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया रखते हैं, तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ आपको उसी का ख्याल है, वो अलग बैंक है। मतलब कि हर एक फैक्टर के लिए अलग अलग बैंक चुना गया है। जैसे कि सिर्फ आपको भरोसेमंद वाला चाहिए, कोई अलग बैंक है, या फिर अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी ऑफर्स मिले उसके लिए अलग है, या फिर आजकल तो यूपीआई का ज़माना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने वाले लोग कौन सा बैंक अकाउंट में यूज करेंगे जहाँ पर आपका पैसा ना फंसे। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सा बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट दे। अगर आपको ऐसा ही बैंक के अकाउंट की तलाश है जहाँ पर आपको मतलब कुछ मतलब नहीं है, बस आपको इंटरेस्ट चाहिए, आप जितना पैसा रखेंगे वहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, उतना पैसा आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रख पाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको इंटरेस्ट कौन सा बैंक ज़्यादा दे रहा है आपको उसके ऊपर जाना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट से ही मतलब है, आपका बैंक अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उतना यूज नहीं करना है, बस आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे और आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलता रहेगा, अच्छा रिटर्न मिले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि 6 से 7% लगभग आपको यहाँ पर ईयरली इनकम देता है, यानी कि इंटरेस्ट देता है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उसके ऊपर। लेकिन हर एक बैंक में एक स्लैब होता है, एक फैक्टर होता है कि कितना अमाउंट का आप पैसा रखेंगे इसके नीचे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको अपने हिसाब से सर्च करना होगा। लेकिन मैं बताऊं, सबसे बढ़िया IDFC फर्स्ट बैंक देता है जहाँ पर आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, 6 से 7% लगभग देता है, आप सर्च कर लेना गूगल पे। अब बात करते हैं कौन सा ऐसा बैंक है जो कि भरोसेमंद है, जहां पर अपना पैसा जो है फुली सिक्योर रहेगा, आपको टेंशन लेना या नहीं है, वहां पर भले ही आपको इंटरेस्ट कम मिले, वहां पर भले ही इनकम कम हो, बट हमारा पैसा जो है हमारे बैंक अकाउंट में सुरक्षित रहे। तो अगर आपको ऐसे ही बैंक की तलाश है तो आपको पता ही होगा, काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं कि आजकल का इंडिया का जो पॉपुलेशन है 150 करोड़ है, लेकिन उससे 50-60 करोड़ लोग ऑलरेडी कस्टमर है SBI का, मतलब कि 30% लोग SBI का कस्टमर है। तो पता ही है सबसे पहला भरोसेमंद SBI बैंक है जहां पर आपको बिना कोई टेंशन के आप वहां पर पैसा रख सकते हो, वहां पर इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा। आप वहां पर बैंक में जाओगे थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, बट ये सिक्योर है, इसीलिए आपको थोड़ा सा आपको यहां पर परेशानी भुगतना पड़ सकता है। इसका और एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये दो बैंक के साथ भी आप जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेंट्रलाइज बैंक हैं जहां पर अपना पैसा को आप सेफली रख सकते हैं, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भले वहां पर आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम मिले लेकिन वहां पर आपका पैसा जो है फुल्ली सिक्योर रहेगा, आपको बिना कोई टेंशन के आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो और पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। इसके बाद काफ़ी सारे टाइम में ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हैं जहाँ पर हमको काफ़ी सारे ऑफर रिवॉर्ड मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है SBI या फिर पंजाब नेशनल बैंक ऐसे बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करने पर हमको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये सारे फैसिलिटी हमको प्राइवेट बैंक देते हैं। तो अगर आप यूथ हैं, अगर आप यंग हैं, तो आपको मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंक में जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बैंक में आपको काफ़ी सारा फीचर्स मिलता है, काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो कि आपको कोई और बैंक में नहीं मिलता। सबसे पहला बेनिफिट तो यही होगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको वहाँ पर 5 से 10% का रिवॉर्ड तो रहता ही है, डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड में, अगर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो। और काफ़ी सारे ऐसा टाइम आता है कि आपको बैंक का शक्ल नहीं दिखना है, आपको घर बैठे ही बैंक का अकाउंट चाहिए, तो आजकल तो काफ़ी सारे ऐसे बैंक आ गए हैं, SBI में भी ये लागू हो गया है कि आप घर बैठे वीडियो KYC के जरिए ही बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आपका पासबुक, चेकबुक जो भी है, ATM वगैरह सब कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट बैंक की बात करिए तो जल्दी ही आपका अप्रूव हो जाता है। तो प्राइवेट बैंक में सबसे अच्छा बैंक है एक्सिस बैंक, जो कि आपको बढ़िया फीचर्स देता है, बढ़िया आपको यहाँ पर ऑफर देता है, जो भी आप ऑनलाइन मंगाते हैं सामान वहाँ पर आपको 5 से 10% तक का छूट आपको मिलता ही है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड पे।
इसके बाद नेक्स्ट जो बैंक है वो है HDFC बैंक। ये भी प्राइवेट बैंक है बट ये भी अच्छा बैंक है जहाँ पर आपको काफ़ी सारा रिवॉर्ड मिलते हैं। और 3 नंबर वाला जो बैंक है वो है ICICI। ये तीनों बैंक आपको अच्छे से आपको रिवॉर्ड देती हैं, अच्छी ऑफर देते हैं। आप प्राइवेट बैंक भले ही यही है लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है ये ऑनलाइन ही सॉल्व कर देते हैं, या फिर अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो एक दिन में ही आपका वीडियो KYC के जरिए अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो एक्सिस, ICICI और HDFC बैंक के साथ जाना चाहिए। इसके बाद आजकल काफ़ी सारे लोग UPI करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से पैसा लेना हो या फिर किसी को देना हो। ये दोनों केस में हम अपने जो इंडिया के हिसाब से डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कैशलेस करके फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करते रहते हैं। तो कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सा ऐसा बैंक मतलब कि जहाँ पर आपको पैसा ना फंसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप पैसा वहाँ पर फंस गया तो आपको 3-4 दिन लग जाता है आप जिसको भेज रहे हैं उसके पास जाने के लिए, या फिर आपके पास कई बार आ जाता है अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है। तो ऐसे में आपको पता अगर आपको होना चाहिए कि कौन सा बैंक ऐसा है जो वहाँ पर आपको बहुत ही कम ट्रांजेक्शन फेल हो, तो वो बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक में UPI ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे तो ना के बराबर आपको यहाँ पर फेल देखने को मिलता है। क्योंकि आजकल SBI में भी देख लीजिए, अगर आप सर्वर का यूज़ होगा तो अगर आप किसी को पैसा भेजेंगे भी तो वहाँ पर पेंडिंग लिखा आएगा। तो पेंडिंग अगर आपको लिखा आएगा तो ना तो आपके पास आएगा या फिर ना उसके पास जाएगा। तो ऐसे में आपको देखना होता है कि कहाँ पर पैसा गया। तो 90% केस में ऐसा होता है कि आप जिसको सेंड कर रहे हो उसके पास ही पैसा जाता है, बट 10% केस में आपके पास वो ट्रांजेक्शन जो है फेल है होके आपके पास वो पैसा चला आता है। तो आपको देख लेना होगा इस हिसाब से आपको कौन सा बैंक अकाउंट चाहिए। तो आपका एज कितना है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना पैसा रख सकते हो, और आपको इंटरेस्ट चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपको ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने सारे चीज़ आपको यहाँ पर बता दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बैंक के साथ जाना चाहिए। सो आई होप कि आपके मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बैंक के साथ आपको जाना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम में अभी तक आपने नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो।